नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भिंडी के बारे में। हर मौसम में कुछ मौसमी सब्जियाँ आती हैं जो सेहत के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। ऐसी ही एक गर्मियों की सब्जी है भिंडी। आपको बता दें कि भिंडी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। हर भारतीय घरों की रसोई में आपको भिंडी मिल ही जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में भिंडी के फायदे को विस्तार से जानते हैं। मजबूत इम्यूनिटी हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी डाइट में भिंडी को शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में भिंडी का सेवन इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। मधुमेह की समस्या आजकल आम हो गई है, जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर के बढ़ने के कारण होती है। भिंडी का उपयोग इस समस्या को कुछ हद तक कम कर सकता है। भिंडी में एंटी डायबिटीज और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं, जो रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला फाइबर रक्त के ग्लूकोज को नियंत्रित करने में फायदेमंद होगा। बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र अक्सर दैनिक जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है। भिंडी के औषधीय गुण पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। आपको बता दें कि भिंडी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और फाइबर पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। फाइबर का सेवन पाचन तंत्र को सुधारने के साथ ही इससे जुड़ी अपच की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। हृदय रोग की समस्या को कम करने के लिए भी भिंडी का उपयोग किया जा सकता है। भिंडी में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है और फाइबर का सेवन सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल संबंधी हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिससे बचने के उपाय करना बहुत जरूरी है। भिंडी में मौजूद फाइबर कोलन कैंसर के जोखिम को कम कर देता है और साथ ही भिंडी में एंटी ट्यूमर गुण पाया जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाले सेल्स को रोकने में फायदेमंद होता है। कब्ज के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। भिंडी का सेवन कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि भिंडी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो आहार को पचाकर कब्ज जैसी समस्या से निजात दिलाने में काम करता है। ऐसे में भिंडी के रूप में फाइबर का सेवन करना कब्ज के लिए अच्छा साबित होगा। अच्छी सेहत के साथ ही भिंडी का उपयोग आँखों की बेहतर रोशनी के लिए भी किया जा सकता है। भिंडी में उपस्थित बीटा कैरोटीन, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, वो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में फायदेमंद होगा। इसके साथ ही भिंडी का उपयोग दृष्टि में सुधार और आँखों से संबंधित कई बीमारियों को दूर करने में भी किया जा सकता है। बढ़ता हुआ वजन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जिनमें मधुमेह और हृदय की समस्या प्रमुख है। भिंडी का उपयोग वजन को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि भिंडी में गुड कार्ब्स और वसा जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो वजन को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी आज एक आम समस्या हो गई है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए भिंडी का सेवन एक बेहतर विकल्प होगा। भिंडी के बीज के अर्क में पाया जाने वाला एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट बढ़ते रक्तचाप की समस्या को नियंत्रित करने में योगदान देता है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी भिंडी का सेवन फायदेमंद होगा। कई स्थानों में इसका उपयोग गर्भावस्था में स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी नए सेल्स के निर्माण में फायदेमंद होगा। सेहत और आँखों के साथ ही भिंडी का उपयोग त्वचा के लिए भी किया जा सकता है। भिंडी में विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर के टिश्यू यानी ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मददगार हो सकता है। इसके साथ ही भिंडी का सेवन त्वचा को फिर से जवा बनाने में सहायक होता है। बालों के लिए भी भिंडी का उपयोग किया जा सकता है। यह स्कैल्प के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर हो सकता है। भिंडी का उपयोग स्कैल्प की खुजली, जू और रूसी की समस्या दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बालों को चमकदार बनाने में मदद करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि भिंडी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।